ईसीएल प्रबंधन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, झूठ की बुनियाद पे चल रहा है। आप किस रैयत की कितनी जमीन लिया, उसका जमाबंदी नंबर क्या है, उसका दाग नंबर क्या है, इन लोगों ने कई विधानसभा के बगैर सहमति के लेंगे। समता जजमेंट क्या कहता है, पेशा एक्ट क्या कहता है, नहीं आए क्यों नहीं आए, ये सवाल तो जनता पूछेगी उनको, ये इनको माफ नहीं करेगी। कल जो वोट देने का काम करता उसे सवाल पूछेगा ये लोग, आप कहाँ गए थे जब हम पर लाठी चल रही थी, ये लोग बयान नहीं दिए। ये कहीं न कहीं राज्य सरकार का एक कंसेंट है जिसमें जिला की पुलिस आई और सांसद और विधायक भी इसमें सम्मिलित हैं। और ईसीएल प्रबंधन के साथ तो मैं साफ कहता हूँ, न केवल इन लोगों की बात, जितने लोग इस ईसीएल के आसपास में राजनीति करते हैं वो तमाम लोग ईसीएल प्रबंधन के साथ मिले होते हैं, इसलिए चुप है। कहाँ कांग्रेस का बयान आया, कहाँ राष्ट्रीय जनता दल का बयान आया, कोई नहीं आया। तो इसलिए एक तला बाबू यहाँ पर आए, सालखन मुर्मू आए, एहतिशाम अहमद आया, सीपीएम से आया, लेकिन बाकी तो लोग नहीं आ रहे हैं। ये तो कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये तो जो रैयत है, रैयत के साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को रोकने के लिए तो आखिर कौन आएगा आगे। हम राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा। इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम कंडेम करते हैं, राज्य सरकार को समय रहते अगर ध्यान नहीं देंगे तो खतियानी जोहार आप चलाते रहिए। जब खतियान रहिएगा ही नहीं, जब खतियानी रैयत ही नहीं रहेगा तो आपका खतियानी जोहार कौन सुनेगा, कौन सलाम सुनेगा। इसलिए खतियानी जोहार आप अगर करना चाहते हैं तो पहले खतियान तो बचाइए, खतियानी रैयत को बचाइए, तब बात होगी। इसलिए खतियानी रैयत को बचाने हम लोग आए हैं, हम जोहार करने नहीं आए हैं, हम बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो ये लोग साथ में खड़े हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं सारे लोग, इन लोगों का दुख दर्द है, कहाँ जाएंगे। आप एक बात सोच सकते हैं कि जमीन इन लोगों का चला जाएगा, कल आने वाले दिनों में बंसावली बनेगी नौकरी के लिए, क्लास थ्री क्लास फोर में जो आप कहते हैं 32 के खतियान के आधार पर नौकरी देंगे पूरा, और बिना अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए आप प्रधान को आपने डिसमिस कर दिया, प्रधान को आप जेल भेज दिया, झूठा मुकदमा डाल दिया, इमानुल हसदा को आप टॉर्चर कर रहे, तो ये नहीं चलेगा, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इन तमाम लोगों का पूरा कंडेम करता हूं जो घटनाक्रम है, और इनकी लड़ाई को हम आगे ले जाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। इन लोगों ने एक भूमि संघर्ष, भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा बनाया है और उसमें फैसला आज लिया है इस पंचायत के अंदर में जो बैसी कर रहे हैं कई गांव को लेकर के, इसमें यह फैसला लिया है कि 8 फरवरी को अंचल अधिकारी के यहाँ हम लोग दस्तक देंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, और 16 फरवरी को जहां 16 आदिवासी 1942 के आंदोलन में झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे, हम उसी शहीद स्तंभ पर 16 फरवरी को गुड्डा के अंदर धरना पर रहेंगे। उसमें और भी कई संगठन आएंगे, तमाम लोग मिलकर इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ईसीएल की